कप्तान टीम मैनेजर एसएसएस नवातु बीपीएफ सिवली अतु टीम इंडिया उड़ीसा और इस वक्त हरारा एक स्कोर बढ़ाने की प्रयास और सफलता पूर्वक इस वक्त देखने को मिला है स्वागत है अजय दुर्गम जी। फिलहाल अगर बात करें दो तीन तरफ परिचय करना चाहेंगे सभी दर्शक साथियों को और अतिथियों को में ये टीम है मांस के राइट साइड छोर पर दिलीप जैसी में टीम है बूढ़े हाला बालो ताकत और उनका अपोनेंट टीम जो है मान के लेफ्ट साइड लास्ट जर्सी में फाटा रोड एफसी ये मुकाबला जो है मुकाबला फोर्टी प्लस का और इस मुकाबला को जो फिर जीतेंगे और टीम में चैंपियन के रूप में याद किया जाएगा बीपीएल से उल्लास को इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट में और फोर्टी प्लस के लिए जो टीम जीतेगी इतिहास के पहले पन्नों पर लिखा जाएगा इस 2023 में और जो टीमें पराजित होंगी इस मुकाबले में जो टीमें इस टूर्नामेंट के इतिहास के 2023 में सेकंड में स्थान में लिखा जाएगा तो कहीं ना कहीं ये मुकाबला टीम के लिए खपी खमा और दर्शक साथियों के लिए एक जबरदस्त मुकाबला फिर स्वागत करते हैं एक बार सभी दर्शकों को खेल प्रेमियों को बीपीएल टूर्नामेंट की तरफ से खेल से शुभकामनाएं और हार्दिक हृदय से स्वागत करते हैं। चलिए स्वागत है अजय निगम जी। जी हाँ बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया है गुरु जी। इस वक्त हमें और बात कर रहे हैं बीपीएल से उड़ी हाथों इस प्रांगण पर ऐतिहासिक मैदान का फाइनल मुकाबला बिल्कुल इस पर 40 प्लस का मुकाबला जिस तरह लेके है गुरु जी ने कहा कि मंच की राइनिंग तौर पर लाल जर्सी पर टाटा रोड और काला जर्सी पर एक तरफ है बुरे हाड़ा बले कसर पुनः इस पर काफी सुंदर यहाँ टीम करने के प्रयास बाईपास कर चुका है और इस वक्त लंबे पास में फिर डिफेंडर के लिए और काफी सुंदर उत्साह राइट फॉरवर्ड के लिए लेकिन अपनी काफी सुंदर और इस वक्त बुरे हाड़ा बले कसर पुनः हावी होने के प्रयास से पुनः इस वक्त काफी सुंदर हल्के टेकन और इस वक्त काफी सुंदर बैक पास अपना साथी खिलाने के लिए और फाइनल टीम में पुरस्कार का 64 टीम में से दो ऐसी टीम उभर के आई आज इस इतिहास के मैदान कुछ शर्मा देखने को मिलेगा एक है वन से बोया और उत्तर प्रदेश टीम है आप खेल पाने मौका पा रखने के आप फुल करते व्यवस्था रहेंगे गलुभाषा भारतीय से एन वाई से बोया दो पैलिस से विशेष गुजारिश करना चाहेंगे कि आप अपने टीम पर व्यवस्था रखेंगे हेलो मैडम 40 प्लस के रनर टीम रॉयल एफसी एसएसएस लोहा हाथो बीपीएमसी उली हाथो टीम इंडिया उड़ीसा तमाम चार खिलाड़ी टीम कप्तान टीम मैनेजर से मैं गुजारिश करना चाहूंगा आप कमेटी में आकर के संपर्क कर लेंगे खेल रॉयल एफसी एसएस लोहा हाथो बीपीएमसी उली हाथो टीम इंडिया उड़ीसा टीम कप्तान बिना विलंब के अभी मंच में आने की कोशिश करेंगे 40 प्लस के टीम कप्तान
रॉयल एफ सी एस एस लोहा हाथो बीपीएमसी उली हाथो टीम इंडिया उड़ीसा। तमाम चार टीमों का कप्तान से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कमेटी में मंच में आने की कष्ट करेंगे। बिल्कुल मैदान की ओर चलते हैं। इस वक्त दोनों ही 40 प्लस का फाइनल मुकाबला चलता हुआ, एक तरफ है टाटा रोड एफसी और एक तरफ है बूढ़ेहाड़ा बलेक्टर से। बिल्कुल दोनों ही टीम स्कोर की तलाश और दोनों ही टीम फाइनल से मुकाबला इस वक्त देखते हैं कौन इस वक्त चैंपियन बनते हैं और ऐतिहासिक ग्राउंड पे हीरो बनते हैं। देखना होगा अच्छी बैटिंग करने के प्रयास, बैक पास करता हुआ और इस वक्त डिबॉक्स के अंदर गेंद को डालने के प्रयास और इस वक्त अब फील मांगा गया था लेकिन कोई खतरा नहीं सुना इस वक्त अपना और इस फील बोली 10 नंबर जैसी देखने को मिला अपना छाती से गेंद को रोकने में सफल और इस वक्त मिड प्लेयर और इस वक्त काला जर्सी बड़े तकर देखने को मिल रहा है। लंबा उछाल खड़ी जवाब की पाई मैक्सिमम 200 किलोमीटर की रफ्तार सीधी आउट लेन के बाहर कोई खतरा नहीं कोई नुकसान नहीं बड़े तकर निमना जो इतने नंगे थे और टीम इंडिया उड़ीसा। तमाम चार टीम कप्तान बार बार आग्रह किया जा रहा है बिल्कुल बिना विलंब के मंच में आने की कष्ट करेंगे और इस बार मैं तमाम चार खिलाड़ी चार टीम बंदूक में गुजारिश करना चाहूंगा बिना विलंब की आप कमेटी में आने की कष्ट करेंगे। रॉयल एफसी टीम कप्तान टीम मैनेजर टीम इंडिया उड़ीसा और इस वक्त हरारा एक स्कोर बढ़ाने के प्रयास और सफलता पूर्वक इस वक्त देखने को मिला है।
लेकिन इसी के साथ हमारे मध्य यात्री की ओर जी हाँ लेकिन कहीं ना कहीं पराजित करने का सोच होनी चाहिए टीम में बुरे हालात बड़े तसक टीम खिलाड़ियों को इसी के साथ बुला बड़े तसक टीम खिलाड़ी अच्छी तालु के साथ अच्छी बात श्री कुमार खिलाड़ी बुरे हरा बड़े तक टीम खिलाड़ी पंद्रह अच्छी समाचार पास की सेवन के लिए लेकिन शिविर का फिलहाल और एक चार मौका हो सकता है फिलहाल और कहीं ना कहीं मौका हो सकता है और चिन्ह का प्रयास यहाँ पर राउंड टेकल तरीके से चिन्ह का प्रयास किया और यहाँ पर कहीं ना कहीं मैच रेफरी संजय सुल्तान क्रिकेट आता हुआ चलिए जी हाँ बार बार टीम कप्तान से मैं अवगत कराया जा रहा है मंच द्वारा अब अभी तक मंच में नहीं आ रहे हैं अतः कमेटी द्वारा अंतिम निर्णय दिया जाएगा जो कि पांच नंबर में रॉयल एफसी और एसएसएस लोहारपुर और टीम इंडिया उड़ीसा रॉयल एफसी एसएसएस लोहारपुर और टीम इंडिया उड़ीसा जिसमें टीम आप मराठा ताजा बुजुर्ग के बाद 40 प्लस जो प्रथम चक्र जीता है बाद सेकंड राउंड हरवान जीते उस टीम को अपमान को आ जाते हमारे यहाँ पे गोरे का कच्चों का ना आ जाता था उसी से हमारा बोलता कबड्डी मास्टर है एक एक कप्तान को आ जाता था बोलते हैं अपमान को पच्चवा चतो सातो आठवा लिया अस्थान में वापस लगे इनका हमारा वो कबड्डी का विशेष व्यवहार को यहाँ तक के बिना को यहाँ तक जीवन तरह जाना रहा हमारा अबे ने आ जाता था उसी का प्रयास से बेन रॉयल एफसी एस 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 लोहा हाथ बीपीएम सूर्य हाथ टीम इंडिया उड़ीसा सॉरी लोहा तो शायद चलिए एस एस लोहा तो शायद बारी टीम रखा पा करना प्राज के नाम यहाँ पुरस्कार लेकिन कहना कहीं तो मार अपने करीब में ईश्वर कपूर के साथ बहुत समय से लड़ते रहा और
बीएफए घालू भाषा और फिर बार सात खिलाड़ी दो तीन प्रयास यहां पर वो कर सकता है और यहां पर फील्ड पर टच किया है और मैं से विकेट डाटा हुआ संजय सेठ जी का और बॉल क्रिकेट करेंगे बूढ़े हरा बाला कसर हेलो 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 दोनों ही एफ 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 लोहा तो ए और एफ 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 लोहा तो बी टीम कप्तान और रॉयल एफसी के टीम कप्तान बिल्कुल मत ना करते और जबरदस्त यहाँ पे वापसी का करार यहाँ दूसरे पर मैं सवाल से यह जवाब मिली है मैक्सिमम लुढ़कती ही 20 किलोमीटर की रफ्तार से कोई यहाँ पे बूझ बूझ समझ नहीं आया गोल कीपर और ध्यान देंगे तो सैफ अली लहारी टीम आल बाबा और दिलीप उर्वशी टीम के कैप्टन से सुझाव करना चाहेंगे आप जो टीम भी रहे टीम कैप्टन आप हमारे मुंबई के लिए पहुंचने की कृपा करेंगे क्योंकि पासपोर्ट जगह और काफी लेकिन उतना ही चतुराई गोलकीपर जितना तारीफ किया गया उतना ही कम टाटा रोड एफसी के टीम गोलकीपर को और जो कि यहाँ पे उसका जवाब दे चुका है लेबिया जी एक एक के बराबरी पर यह कहीं ना कहीं यहाँ दूसरी गोल की तरफ अपने दिल पर एक उम्मीद जगी हुई है और क्या करना होगा लेबिया जी खुद यहाँ पे खिलाड़ी पूरी तरह से मेहनत संघर्ष खुद मुकाबला कर रहे हैं या और दूसरी गोल की तलाश पर बुरे हरा बले दशक के तीन खिलाड़ी काफी जबरदस्त मुकाबला कर संघर्ष जो की दो देर तो मैं सवा देर यह जवाब दिया है आप क्या कहना चाहेंगे इसके जरिए जी बिल्कुल अजय जी दो से ज्यादा तीर लग चुका है एक एक तीर लग चुका है और यहाँ पर गोल दे नजर आता है तीन खिलाड़ी चाहे बात करें टाटा रोड एफसी या फिर बात करें बूढ़े हरा बले भाषा एक एक तीर जो लग चुका है यानी कि एक एक स्कोर पर दोनों ही तीर इसके साथ जो रोड में गाड़ी खड़ा रहा है वो गाड़ी करेगा बंद मार रहा है हेलो बड़ा दिन का थोड़ा बड़ी पे अगर जाए तो चार चक्का या दो चक्का गाड़ी को प्रतिकूल मिले बिल्कुल अपना अनुशासन पहचान रूप पे अनु हो रहा है गाड़ी साइकिल मोटरसाइकिल की बात होता मंत्री एक चुनौती हम सिखा करना सूचना एवं करना अगर गाय रो गलती थे हिंदू तरह पे आयु में तरह पे नुतुर की जो देखे थे ये तो इन गाड़ मोटरसाइकिल साइकिल चार चक्का को बात होता गाड़ी से एकदम साइड से होंगे क्योंकि उसको बुद्धि दी भी हो को अब उन्हें ताला माला मैदान पर को बिठाओ जो उतने इनाम से भागा डाउ किसी को गाय रो गाड़ी मोटरसाइकिल को प्रतिगत तो रहे ये तो वो असंभव और एक बार वो काफी साथ एक के बदले तो अजय जी एक के बदले दो स्कोर बूढ़ हवा बोले तसक ईट जो आप हमारे कमिटी संघ आप तक आएंगे सेम आने महारे जटिल तीसरा चौथा स्थान जगह दिया जाएगा लोटे पुष्टि द्वारा इसलिए आप यथाशीघ्र हमारे मुख्यमंत्री भाई पहुंचने की कृपा करेंगे अलीबाबा एफ सी और भी एक के बदले दो और यहां पर क्या करते हैं रजा पत्थर से देख चुके टीम है क्या फिर टीम लेकिन इसके साथ ये फिर कोशिश हो चुकी है